नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश इकाई के द्वारा आज सबलगढ़ में ब्रिज जोड़ो अभियान के तहत पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सतानंद शर्मा एवं प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र बटोलिया ने संगठन के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की और सभी को देश व समाज के हित के कार्य करते रहने का आग्रह किया गया। समाचार टू जेड के लिए मुरैना से हरेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। के ये समस्त परशुराम सैनिक आपके समक्ष खड़े हुए। आज कोई कार्यक्रम नहीं था, एक विजिट थी हमारे कार्यकर्ता प्रदेश का जो जिला उपाध्यक्ष थे यहाँ पे सवाल ब्लॉक के, उनके यहाँ एक फंक्शन था उसमें समझ आज यहाँ आया तो कार्यकर्ताओं को दूर बैठना बुलाता है। एक ही संदेश है सभी को, समाज एक तो देश हित के लिए हमको कैसे कार्य करना है, क्या सोशल एक्टिविटी हम कर सकते हैं, उस पर हमने आज चर्चा की। आगे इस मुहिम को जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में जो ब्रिज जोड़ो अभियान हमारी मुहिम चल रही है, जिसमें वरिष्ठ जनों को कनिष्ठ जनों को इसमें जोड़ना है, संगठन संगठन का क्या विचार है, क्या रूपरेखा है, कैसे हमको संगठन में कार्य करना है, इन्हीं विषयों को लेकर आज यहाँ पर एक छोटी सी बैठक आयोजित की गई। भविष्य में एक यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी बहुत जल्द होने वाला, उस पर भी बातचीत की गई थी। और बाकी माननीय वरिष्ठ जन के नेतृत्व में हमारा वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इन विभिन्न मुद्दों पर यहाँ कार्य कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई थी। यही आज यहाँ आने का एक उद्देश्य था, लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और दूसरा, एक व्यक्तित्व व्यवस्था जो आरक्षण की समाज में चल रही है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला गया। हमारे सभी नौजवानों का एक ही मत है कि आरक्षण नहीं, अमीरों को संरक्षण, सभी गरीबों को, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सर्व हिताय सर्व सुखाय का भाव लेके चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा पश्यतु भावभवे। सभी प्राणियों में सद्भाव हो, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, इस भाव को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और आरक्षण जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर हो, इस मुहिम से भी हमें लोगों को जोड़ना है। बोल भगवान परशुराम की जय।